जय हिंद, वेलकम टू स्टडी फॉर जीनियस। मैं हूं प्रिंस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी जीडी की नई भर्ती के बारे में। आप सभी को पता है दोस्तों, 84,000 पदों पर वैकेंसी आई है। ज्यादा बकवास नहीं करेंगे, लाइक गया भाड़ में, सब्सक्राइब गया तेल लेने। आज की इस वीडियो को डायरेक्टली शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी मैं वीडियो बनाता हूं तो आपकी डिमांड पर ही बनाता हूं, क्योंकि दोस्तों मेरे पास थोड़ा टाइम कम रहता है, क्योंकि क्लासेस वगैरह चलती रहती हैं इसलिए। लेकिन जब ज्यादा कमेंट आप सभी के आए तो मैंने वीडियो डिटेल वीडियो आप लोगों के लिए फिर से बना दिया है। देखिए दोस्तों, एसएससी जीडी न्यू वैकेंसी के बारे में बात करें तो पोस्ट जो है इसकी 84,405 प्लस पोस्ट यहां पर रहने वाली है। यानी दोस्तों समथिंग आप बोल सकते हैं कि 84,500 वैकेंसी रहने वाली है। ठीक है, इस बार दोस्तों वैकेंसी इतनी क्यों आ रही है, क्योंकि पिछली बार जब पेपर दिया था उस टाइम दोस्तों सीआरपीएफ में एक भी पोस्ट नहीं थी, 2021 में एक भी पोस्ट नहीं थी। दोस्तों काफी लोग बोल रहे थे, सर आपने कैसे एग्जाम पास किया था, आप भी बता दीजिए अपने बारे में कि आपने एग्जाम कैसे पास किया है और आप यहां पर इतना अच्छा स्कोर कैसे ले पाए। दोस्तों मैं आप सभी से बार बार बोलता हूं कि आप हमारा जो पीडीएफ है उसे ले सकते हैं। अगर आपको अच्छा एग्जाम करना है इस बार एग्जाम में तो दोस्तों ये हमारा नंबर है भाई, 6396453592। इस नंबर पर आपको दोस्तों बस व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। जी हाँ दोस्तों, क्या करना है, व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, कॉल कोई नहीं करेगा दोस्तों, ध्यान दीजिए ये व्हाट्सएप का नंबर है। इस पर हम आपको पीडीएफ देते हैं दोस्तों। पिछली बार भी पीडीएफ दिया था और काफी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, खुद मेरा भी हुआ है, ऐसा नहीं दोस्तों मेरा नहीं हुआ है, इसी पीडीएफ को पढ़ के। और दोस्तों केवल 100 रुपये में हम आपको पीडीएफ दे रहे हैं भाई, केवल 100 रुपये में सारा कुछ मिल रहा है आपको, जीके जीएस मैथ रीजनिंग हिंदी और दोस्तों सब कुछ आपको मिल रहा है, मैथ रीजनिंग जीके जीएस हिंदी वगैरह सब कुछ आपको मिल रहा है जो आपके एग्जाम में आता है। यकीन माने दोस्तों एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आ सकता, मैं गारंटी लेता हूं आपका पूरा पैसा वापस लूंगा अगर दोस्तों आपका सिलेक्शन नहीं होता है। ये दोस्तों गारंटीड पीडीएफ है मेरे दोस्त, ऐसे नहीं हम हवाबाजी में बात करते हैं। अगर आपको लेना है अभी जाइए दोस्तों इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए और पीडीएफ आप सभी को मिल जाएगा, आपका एक एक रुपया वापस हो जाएगा अगर सिलेक्शन नहीं होता है। अगर आप गारंटी बैच में जुड़ना चाहते हैं तो हमारा गारंटी बैच भी आ चुका है दोस्तों, स्टडी फॉर जीनियस का जो ऑफिशियल ऐप है इसको आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। यहां पर दोस्तों हम आपके लिए क्लासेस लेकर आ गए हैं, जो क्लासेस हैं वो हो चुकी हैं। स्टडी फॉर जीनियस का एप्लीकेशन आप सभी को नजर आ रहा है, इसको दोस्तों इंस्टॉल जरूर कीजिए भाई। आप सभी ने इंस्टॉल नहीं किया मुझे पता है दोस्तों, अभी कीजिए। इस पर मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज सब कुछ फ्री में दिया है मैंने, तो जाइए दोस्तों, पेड क्लासेस भी हैं और फ्री भी हैं। तहलका बैच आ चुका है दोस्तों आप सभी लोगों के लिए, एसएससी जीडी स्पेशल तहलका बैच, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों पोस्ट के बारे में बात करेंगे। 84,405 पोस्ट हैं, कब से आवेदन शुरू हो रहे हैं भैया इसके बारे में बताइए, क्योंकि काफी लोगों को यह भी नहीं पता है अभी से आवेदन कब शुरू हो रहे हैं भाई। न्यू वैकेंसी आ गई है लेकिन आवेदन के बारे में नहीं पता है, अप्लाई डेट के बारे में नहीं पता है। तो देखिए फ्रेंड्स, 10 दिसंबर जो आपकी 10 दिसंबर आने वाले 2022 में, इस दिन से आपके आवेदन शुरू हो जाएंगे और कब तक चलेंगे, 19 जनवरी 2023 तक आपके आवेदन चलने वाले हैं। यानी लगभग दोस्तों आप बोलेंगे एक महीने से ज्यादा टाइम आपको मिल रहा है। वहीं एग्जाम के बारे में बात करें कि एग्जाम कब कराया जाएगा, तो एग्जाम का भी दोस्तों अपडेट आ चुका है, मार्च और अप्रैल 2023, मार्च के लास्ट में या अप्रैल के स्टार्टिंग में आपका एग्जाम कंफर्म हो सकता है दोस्तों। इसलिए अभी से अगर आप तैयारी करेंगे इस पीडीएफ से तो 100% एग्जाम निकलेगा मेरे दोस्त। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या है दोस्तों, योग्यता क्या है, तो योग्यता आपकी 10th पास है। अब आप बोलेंगे सर 10th में कितने नंबर हो चाहिए, ग्रेस है मेरी, मैं इस सब्जेक्ट में फेल हूं। अगर भाई आपके ये भी परसेंट है ना 33%, तब भी आप फॉर्म को फिलअप कर जाओगे, लेकिन फेल नहीं लिखा होना चाहिए, बस फेल नहीं लिखा होना चाहिए, पास लिखा होना चाहिए, तो आप दोस्तों इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, चाहे आपकी ग्रेस है चाहे कुछ भी है, बस उससे कोई मतलब नहीं है, बस पास होना चाहिए, 10th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। अब आप बोलेंगे सर एज लिमिट क्या है, वो बता दो, कब से कब तक हम फॉर्म को फिलअप भर सकते हैं। देखिए अगर आप जनरल में आते हैं दोस्तों तो आपकी एज 18 से 23 साल रहती है, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 23 साल। अगर आप ओबीसी में आते हैं तो 18 से 25 साल आपकी एज रहती है मेरे दोस्त। अगर आप एससी एसटी हैं तो आपको 18 से 28 साल का इसमें एज में रिलेक्शन मिलके 18 से 28 साल आपकी एज हो जाती है। इसमें आपको दोस्तों जो मिलता है वो मिलता है आपको दोस्तों यहां पर 2 साल का इलेक्शन मिलता है और इसमें मिलता है दोस्तों आपको 5 साल का, सॉरी 18 से 26 साल रहती है भाई, ये 18 से 26 साल रहती है, इसमें 3 साल का मिलता है भाई और ये दोस्तों 5 साल तक। 18 से 26 साल रहती है दोस्तों किसकी, मैं इसको लिख देता हूं ताकि दोस्तों कंफ्यूज ना हो आप। 18 से 26 साल दोस्तों किसकी रहती है, ओबीसी वाले के 3 साल के लिए रिलेक्शन मिलता है आप सभी को, और दोस्तों यहां पर 18 से 28 साल रहती है एससी एसटी की, ये गलती से लिख दिया था मैंने। ठीक है,
अगर बात करें दोस्तों कितनी वैकेंसी किस पोस्ट में आ रही है और कौन सी पोस्ट सबसे बेस्ट है उसके बारे में बताऊंगा। देखिए दोस्तों यहां पर अगर आप सबसे बेस्ट पोस्ट लेना चाहते हैं तो भाई देखिए अभी जो हमारे पास ये वैकेंसी आई है किस किस पोस्ट में कितनी वैकेंसी है अभी इन पोस्ट के लिए ही आई है। असम राइफल्स में दोस्तों 9,659 वैकेंसी है, बीएसएफ में बात करें तो 19,254 वैकेंसी है, सीआरपीएफ की बात करें जो पिछली बार नहीं आई थी इस बार दोस्तों बंपर वैकेंसी आ गई है सीआरपीएफ में 29,985, लगभग 30,000 वैकेंसी सीआरपीएफ में है। अब आप समझ के देखिए दोस्तों केवल 25,000 वैकेंसी में नंबर आना कोई मामूली बात नहीं है, जिस टाइम केवल 29,985 वैकेंसी अब केवल दोस्तों किसमें लिख ली सीआरपीएफ में, आप समझिए केवल 25,000 वैकेंसी थी हमारे टाइम पे, अब नंबर कैसे आया था आप सोच सकते हैं 70 लाख फॉर्म में से 25,000 में नंबर आना कोई मामूली बात नहीं है मेरे दोस्त। तो सीआईएसएफ सबसे बेस्ट रहेगी आप लोगों के लिए यहां पर अगर आप सीआईएसएफ में जाना चाहते हैं, वरना जिसकी आपकी चॉइस है वैसे चॉइस सबसे ज्यादा रहती है लोगों की बीएसएफ में जाने की, क्योंकि बॉर्डर पर अगर आपको ड्यूटी देनी है तो बीएसएफ आप जा सकते हैं, अगर आपको एयरपोर्ट वगैरह मेट्रो पर ऐसी जगह पर ड्यूटी देनी है ताजमहल वगैरह पर तो सीआईएसएफ आपके लिए बेस्ट रहेगा। 10,918 वैकेंसी कम भी नहीं है, बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। आईटीबीपी में बात करें तो 3187 वैकेंसी है, वहीं एसएसबी में दोस्तों 11,402 वैकेंसी है। बात करेंगे दोस्तों आपकी यहां पर जो वैकेंसी रह गई वो रह गई दोस्तों एक तो आपकी एनआईए की और एसएसएफ की, ये लगभग दोस्तों 5,000 के समथिंग वैकेंसी आएंगी दोनों को मिला के, ठीक है कम भी हो सकती है भाई इतनी वैकेंसी आएंगी, अभी इनका कन्फर्म नहीं हुआ है कि कितनी वैकेंसी आने वाली है, ठीक है ये तो दोस्तों आपकी पोस्ट वाइज रहेगी कितनी पोस्ट वाइज वैकेंसी है आपकी, ठीक है। बात करेंगे दोस्तों आपकी यहाँ पर फिजिकल जो स्टैंडर्ड टेस्ट होता है उसके बारे में, यानी आपकी हाइट और चेस्ट क्या होनी चाहिए। देखिए दोस्तों अगर आपकी हाइट अगर आप मेल हैं और दोस्तों ओबीसी से आते हैं एससी से आते हैं और जनरल से आते हैं एसटी को छोड़ के, यानी एसटी को छोड़ के तो आपकी 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। अगर आप एसटी हैं मेल में, अगर आप लड़के हैं तो 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। अगर आप फीमेल हैं ऑल कैटेगरी में आती हैं एसटी को छोड़ के तो आपकी हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप एसटी की महिला हैं तो आपकी हाइट 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वही बात करें चेस्ट की तो चेस्ट आपकी 80 से 85 के बीच में होनी चाहिए। दोस्तों चेस्ट बहुत आराम से नापते हैं, यह आपके ऊपर से नापते हैं चेस्ट आराम से हो जाती है, टेंशन लेने की बात नहीं है, मेरी खुद नप चुकी है मुझे पता है। तो 80 से 85 रहती है, 80 नॉर्मल 85 एक्सपेंशन यानी 5 सेंटीमीटर के एक्सपेंशन के बाद होती है। वही 76 से 80 के बीच में होती है मेल की, जो एसटी के लड़के हैं उनके लिए, ठीक है। वहीं दोस्तों बात करेंगे रनिंग की, रनिंग आप सभी को पता है भाई 5 किलोमीटर की रनिंग होती है, 24 मिनट में आपको कवर करनी पड़ती है 5 किलोमीटर की रनिंग, ज़्यादा हार्ड नहीं होती है। अगर आप थोड़ा स्टार्टिंग करेंगे तो आपको हार्ड लगेगी लेकिन बहुत ईजी तरीके से हो जाती है। वहीं दोस्तों फीमेल की रनिंग के बारे में बात करेंगे तो 1600 मीटर होती है इनकी 8.5 मिनट में, बहुत ईजी तरीके से कर लेती हैं, ठीक है थोड़ा बहुत दिक्कत आती है लेकिन आराम से हो जाता है। पहले पेपर तो पास कीजिए, रनिंग का ट्रिक भी हम आपको बता देंगे कैसे पास करना है। वहीं दोस्तों अब बात करेंगे यहाँ पर आपके सिलेबस के बारे में, ठीक है भाई सिलेबस क्या रहेगा आपका, सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैं आपको दोस्तों मैथ बता चुका हूँ, मैथ रीजनिंग जीके जीएस और दोस्तों यहाँ पर आपका आता है मैथ रीजनिंग जीके जीएस हिंदी या दोस्तों इंग्लिश या इंग्लिश, ठीक है इसमें से दोस्तों आपके क्वेश्चन आते हैं भाई, ये दिखाई दे रहा है बिल्कुल। तो मैथ दोस्तों आपका जो आता है भाई ये आता है 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, ये भी 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, 25 क्वेश्चन 25 नंबर यानी टोटल 25 क्वेश्चन 25 नंबर के आते हैं। टोटल दोस्तों आपको जो टाइम मिलता है वो मिलता है 90 मिनट का, ठीक है 90 मिनट में आपको कवर करना पड़ता है। और दोस्तों इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/4 की है भाई, ध्यान दीजिए नेगेटिव मार्किंग 1/4 की है। सिलेबस मैं आपको बता चुका हूँ सिलेबस में आपका क्या क्या आता है, हिंदी का सिलेबस बताया अभी मैंने, बाकी सिलेबस भी मैं आपको आगे बता दूंगा। यहाँ पर आप देखिए मैथ 25 क्वेश्चन, रीजनिंग 25 क्वेश्चन, जीके 25 क्वेश्चन, हिंदी इंग्लिश का 25 क्वेश्चन। अब हिंदी इंग्लिश का क्या झाड़ है, हिंदी या इंग्लिश में से आप कोई सा भी सेलेक्ट कर सकते हैं लेकिन मैक्सिमम लोग हिंदी को सेलेक्ट करते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपकी राय क्या है, मैंने आपको सारा कुछ दोस्तों डिटेल में बता दिया है। 100 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों आपके और एक क्वेश्चन एक नंबर का होता है, नेगेटिव मार्किंग भी होती है दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग 1/4 की, ठीक है पिछली बार से ऐड हुई है 2021 से, पहले नहीं थी 2018 में ये नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, 2021 में ऐड की गई है। तो सारा कुछ दोस्तों आपके पास डाटा आ चुका है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ जरूर लीजिएगा, ये नंबर मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया 6396453592 6396453592 इस नंबर पर दोस्तों पीडीएफ मिलता है। और दोस्तों केवल दोस्तों 3-4 महीने में आप आराम से उड़ा दोगे एग्जाम को, जो मैं बोलूँ बस वही करना है, गारंटी बैच भी आ चुका है, पीडीएफ भी आप ले सकते हैं। स्टडी फॉर जीनियस को ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कीजिए, लिंक इसका वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो दोस्तों देर किस बात की, आप जरूर से जरूर दोस्तों इंस्टॉल कीजिए एप्लीकेशन को और दोस्तों फ्री का मजा लीजिए। और अगर आप यहाँ से हमारा
ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।